तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मखाना पनीर। और मखाना पनीर बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन में एक चम्मच देसी घी ऐड किया। देसी घी को हम गर्म करेंगे और लगभग 100 ग्राम के लगभग मखाने जिनको हम फ्राई करने वाले हैं। तो मखाने को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम, हल्का सा। और हमारे जो मखाने हैं वो फ्राई हो गए हैं, तो एक प्लेट में निकाल के इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं ग्रेवी की। ग्रेवी में मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ग्रेवी में एक प्याज, 4 लहसुन की कली, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 4 टमाटर और 2 हरी मिर्च। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट रेडी करूँगा। यहाँ पर हम प्याज लहसुन अदरक का भी पेस्ट रेडी करेंगे, मगर दोनों को अलग अलग रेडी करना है, एक साथ रेडी नहीं करना है। तो चलिए मैं टमाटर का पेस्ट रेडी कर लेता हूँ, बिल्कुल बारीक पीसना है इसको। तो हमारा टमाटर का जो पेस्ट है वो रेडी हो गया, देखिए आप, बिल्कुल बारीक पीस लिया मैंने इसको। तो इसको निकाल के एक बाउल में अलग रख लेते हैं और अपने प्याज लहसुन अदरक को भी एक पेस्ट बना लेंगे, इसका भी पीस के हम। तो प्याज लहसुन अदरक को भी बहुत ही बारीक पीसना है। तो चलिए मैं इसको भी पीस लेता हूँ। तो प्याज का भी पेस्ट रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, पनीर को हम पीसेस काट लेंगे पनीर के। तो आप छोटे बड़े जिस साइज के चाहें पनीर के पीसेस काट सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर पीस काट रहा हूँ। जितने आप छोटे पीस काटेंगे उतना पनीर हमारा जो है अच्छी तरह से फ्राई होगा। आप अगर फ्राई नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी पनीर को यूज़ कर सकते हैं। तो एक कढ़ाई में लगभग 1 चम्मच के लगभग देसी घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रहा हूँ, आप ऑयल यूज़ करना चाह रहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और पनीर को हम कढ़ाई में ऐड करेंगे। तो पनीर को एक बहुत ही अच्छा कलर देने के लिए यहाँ पर 1/2 चम्मच हम हल्दी इस पर डाल देंगे और पनीर को फिर फ्राई करेंगे। तो हल्दी के साथ पनीर को फ्राई करने में हमारे जो पनीर का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो लगभग 2 मिनट में हमारा जो पनीर है वो फ्राई हो जाएगा। तो पनीर को भी निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जो पनीर है कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और आप अपनी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में जो हमारा घी बचा हुआ है उसी में थोड़ी सी काली मिर्च, और आप चाहें तो खड़े मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जीरा और काली मिर्च को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आप यदि खड़े मसाले यूज करते हैं पनीर में तो आप यूज कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा कम पसंद है इसलिए मैं कम यूज करता हूँ। और चुटकी भर हींग डालेंगे हम इसमें। और अब अपना जो हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, सबसे पहले हमें प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो इसके साथ हम अपने मसाले भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं वही मसाले यूज़ करूँगा जो नॉर्मल घर में आप डेली यूज करते हैं, कोई एडिशनल एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं करूँगा। तो 1/2 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर। और कोई एडिशनल मसाला मैं यूज इसमें नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो पनीर मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अपना टमाटर का जो हमने पेस्ट रेडी किया था, तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। एक ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है कि रेस्टोरेंट में जो आप जो पनीर खाते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो उसका क्या मतलब सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको। जो हम यहाँ पर
टमाटर को फ्राई कर रहे हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना है। टमाटर को आप जितनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हमारा पनीर उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टमाटर के पेस्ट है बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया। तो अब इसमें हम अपना पानी ऐड करेंगे। पानी की जो क्वांटिटी रखनी है, आप ग्रेवी को थिक चाहते हैं या थोड़ा सा पतला बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। इसमें मखाने ऐड करेंगे और अब इसको हम पकाने वाले हैं। पकाने से पहले यहाँ पर मैं इसमें क्रीम यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मलाई यूज करूँगा। तो 2 चम्मच के लगभग इसमें मैंने मलाई ऐड की है और मलाई के साथ इसको ग्रेवी को हम पकाएंगे लगभग 5 से 6 मिनट। तो हमारी जो फ्रेंड्स ग्रेवी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। और आप इसमें अपना पनीर ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारा जो पनीर है वो सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। तो आप थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डाल के इसको सर्व कर सकते हैं, थोड़ी सी क्रीम डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मलाई यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मलाई को अच्छी तरह से फेंट रहा हूँ। तो मलाई को अच्छी तरह से फेंटने के बाद मैं थोड़ी सी मलाई और डालूँगा इसमें, लगभग 1 से 1.5 चम्मच। तो यहाँ पर मैंने मलाई से इसको बनाया, आप चाहे तो क्रीम से बना सकते हैं इसको, घी की जगह आप बटर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वादिष्ट मखाना पनीर बन के रेडी हो गया। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। मैंने जो इसकी जो ग्रेवी रखी है वो थोड़ी सी पतली रखी है, आप चाहें तो इसको गाढ़ा भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा मखाना पनीर बनकर रेडी हो गया है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो यदि आपने अभी तक नहीं ट्राई किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आके बताइए कि आपका जो पनीर है वो कैसा बना था। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिवाली पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप मेरे वीडियो मिठाई में, इंडियन स्वीट में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।